स्वैच्छिक रक्तदान शिविर शनिवार दिनांक 12 जनवरी को होगा आयोजित रेलवे कर्मचारी लायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कारखाना अजमेर एवं लायंस क्लब अजमेर आस्था के संयुक्त तत्वावधान में विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर शनिवार दिनांक 12 जनवरी को प्रातः 9 बजे से हजारीबाग स्थित यूनियन कार्यालय में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रेलवे के पदाधिकारी, यूथ विंग टीम, अन्य कर्मचारी व आमजन पीड़ित मानव सेवार्थ अपने रक्त को स्वेच्छा से दान करेंगे। रक्तदान शिविर में यूनियन के जोनल अध्यक्ष भूपेंद्र भटनागर और लायंस क्लब अजमेर आस्था के संयोजक पूर्व संभागीय अध्यक्ष लॉयन अतुल पाटनी व क्षेत्रीय अध्यक्ष विजय वर्गीय ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, जनरल अस्पताल, मित्तल हॉस्पिटल व रेलवे हॉस्पिटल की कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा रक्त एकत्रित किया जाएगा, जो थैलेसीमिया रोग से पीड़ित रोगियों व अन्य जरूरतमंद रोगियों के काम में आएगा। लायंस क्लब अजमेर आस्था द्वारा विवेकानंद जयंती के अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन कारखाना शाखा यूथ विंग के संयुक्त तत्वावधान में हजारीबाग स्थित रेलवे यूनियन कारखाने के अंदर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रेलवे के पदाधिकारी, कर्मचारी व स्वैच्छिक रक्तदान दाता अपने रक्त का दान करेंगे। ये रक्त जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, जनाना अस्पताल, मित्तल हॉस्पिटल और रेलवे हॉस्पिटल द्वारा संग्रहित किया जाएगा। इस रक्त का सदुपयोग थैलेसीमिया के पेशेंट व अन्य जरूरतमंद पीड़ित व्यक्तियों के काम में आएगा। हमारे क्लब के अध्यक्ष लायन लोकेश जी अग्रवाल व लायन गेवरचंद जी नाहर और लायंस क्लब अजमेर आस्था की पूरी टीम इसके अंदर अपनी सेवा देगी। रेलवे के सारे जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनका इसमें पूरा सहयोग रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि लगभग 300 यूनिट इसमें रक्त हम संग्रहित करके और एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं लॉयन अतुल पाटनी, लॉयंस क्लब अजमेर आस्था से।